वेलकम टू सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि पाइकोकोटूल्स क्या होते हैं और हम इसका यूज क्यों करते हैं, ये इसका वर्क क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद हो डिसलाइक करें। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइकोकोटूल्स क्या होते हैं। तो पाइकोकोटूल्स जो है एक पाइथन एपीआई है जो कि असिस्ट होती है लोडिंग, पार्सिंग एंड विजुलाइजिंग द एनोटेशन इन कोको। ओके, सो जो कोको है अब वो क्या है कि जो कोको है वो एक लार्ज इमेज डाटा सेट है जिसके अंदर बहुत सारी इमेजेस होती हैं। ओके, सो ये हम वर्क तब करते हैं, ये हमें कोको की जरूरत तब पड़ती है जब हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करने जा रहे हैं। लाइक हम कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करें। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन दो टाइप से कर सकते हैं हम। फर्स्ट इज दो टाइप से होता है, फर्स्ट इज कंप्यूटर विजन लाइक रियल टाइम, सेकेंड इज इमेजेस। रियल टाइम में क्या होता है कि हमारे पास कैमरा है, हमने कैमरे की कैमरे से आप डिटेक्ट करेंगे सामने अगर कोई भी मतलब कि पर्सन आ रहा है या कोई भी एनिमल्स आ रहा है तो वो उसको सेटलाइज करके हमने को आउटपुट देगा। ओके, एंड सेकेंड इज कि हमने कोई भी नॉर्मल पिक गूगल से उठाई, कोई भी पिक हमने गूगल से उठाई, एंड हम उसमें से अगर हम ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करेंगे देन वी सेकेंड हमारा इमेज से, एंड सेकेंड इज रियल टाइम। ओके, कंप्यूटर में तो ये दो टाइप्स ही होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, so this package provides MATLAB and Python that assist in loading, parsing, visualizing the annotation in Coco. ये समझ पा रही है ये? Okay, तो इसमें क्या होता है हमारे पास ये बहुत बड़ा डाटा सेट है। लाइक इसके पास 80 क्लासेस होती हैं, 80 क्लासेस क्लासेस लाइक एनिमल्स अगर हम ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी इसकी, एंड इसके अंदर 80,000 ट्रेनिंग इमेजेस होती हैं एंड 40,000 वैलिडेशन इमेजेस होती हैं। ओके, सो हमको क्लियर हो गया कि पाइकोकोटूल्स क्या होता है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब इंस्टॉल करेंगे तभी हम यूज़ कर पाएंगे इसका। ओके, तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफाइन किया है। लाइक अगर हम विंडो में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, सेकेंड इज कि अगर आप उबंटू में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। ओके, तो विंडोज़ के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको ये कोड लिखना होगा पिप इंस्टॉल साइथन। तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, विंडो प्लस आर प्रेस करके cmd लिखे एंटर करें। आपको फिर यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल साइथन देन एंटर। तो ये ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई है मेरे लैपटॉप में। देन आपको क्या करना है, सेकंड जो है आपको ये करना है पिप इंस्टॉल पाइकोकोटूल्स। ओके, ये आप इसमें इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, एंड अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं देन वेरी गुड। इसमें आपको अगर आप विजुअल स्टूडियो पे इंस्टॉल करना चाहते हैं लाइक तो बहुत टाइम एरर आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप विजुअल स्टूडियो में बहुत अच्छे से कर सकते हैं इसको इंस्टॉल। ओके, नेक्स्ट इज ना उबुंटू में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उबुंटू इज एन नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो आपको उबुंटू में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना होगा। टर्मिनल में ओपन करने के बाद आपको ये कोड टाइप करना है, देन आपको ये टाइप करने के बाद आपको जब ये कंप्लीट हो जाए, इंस्टॉल हो जाए कंप्लीट, देन आपको ये सेकेंड करना है पिप इंस्टॉल साइथन। अगर इससे नहीं होता है देन आप सूडो पिप इंस्टॉल साइथन लिखें। नेक्स्ट आपको सूडो पिप इंस्टॉल पाइकोकोटूल्स ये लिखना है एंड आपको कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा बोलते हैं। ओके, थर्ड इज कि अगर आप चाहते हैं पाइकोकोटूल्स हमारा एनाकोंडा में इंस्टॉल करना, देन आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एनाकोंडा में, देन आपको ये दो कोड हैं, ये दो कोड की हेल्प से आप कर पाएंगे इंस्टॉल। तो आपको क्या करना है, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है,
इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से करना है. ओके, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कोंडा इंस्टॉल साइकिल ये कॉपी करें और ये पेस्ट करें यहाँ पे. मैंने ऑलरेडी कॉपी करें एंड पेस्ट करें एंड ये आप दोनों पॉड की हेल्प से कर सकते हैं. एंड अगर कोई भी फर्दर क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.